नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और तिरछी बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम के 8 बज चुके हैं और जोरदार खबर प्रोग्राम मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सुनते हैं पहली खबर। पहली खबर, हुडल के बॉयज स्कूल में ईश्वर चंद बंसल जी की मनाई गई पुण्यतिथि और दी गई श्रद्धांजलि। तो वहाँ पर मतलब ये पुण्यतिथि मनाई गई है बढ़िया गाँव में। बंचारी के दाऊजी मंदिर पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने की पूजा अर्चना और मांगा भगवान से आशीर्वाद बलदाऊजी से। वहाँ पे उसका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया है मंत्री साहब का, विपुल गोयल जी का। उसके स्वागत में समस्त बंचारीगण है, जिसमें मुख्य जे देवी पंडित जी, नारायण नंबरदार, सीताराम मेंबर, पूरन मेंबर, भूदेव पंडित जी, भूपराम नंबरदार और सीताराम जी ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। पलवल के आमरू गांव में विवाहिता को जेठ चचिया ससुर चचिया सास ने पीट पीट कर किया घायल और घर से निकालने की कहा, और घर से निकल गया। अगैरह वगैरह लड़ाई वड़ाई छोटी मोटी होती रहे रोज के शामें, कभी कैसे कभी कैसे। पिंगौड़ गांव में, पलवल के पिंगौड़ गांव में दुकान से सामान लेने गया छोटा बच्चा, तो उस पैसे किसी आदमी ने 500 रुपये छीनने का प्रयास किया और जब बच्चे ने पैसे देने से मना किया तो उसे पीट कर किया घायल। बताओ जी, बालक ने 100 रुपये लूट रहे, क्या कमाल है। बालक सामान पर जाए घुसा था सामान लेने के दुकान में पैसे, तो यू गलत है, ऐसा ना करना चाहिए समाज में। पलवल के जनौली गाँव में दो भाइयों को दूसरे पक्ष के लोगों ने बिना कारण पीट कर किया घायल, एक भाई की हालत गंभीर। भैया एक बात बताओ, ठीक है यहाँ बिना कारण पीट रहे हैं, बिना कारण है तो कुछ मतलब ही ना ऐसा है। ताली बजे जब दोनों हाथ बराबर जामे तो मतलब इतना ही तो युवार हुआ, इतना ही युवार हुआ, जब इतना प्रेशर बन रहा ताली को तो बिना कारण को कुछ किया ही ना। हम कह रहे बिना कारण पीटी और एक भाई की हालत गंभीर, मेरी तो समझते बाहर है, आगे भैया जनता जाने। इसमें एक कमेंट आई थी हमें, अगली खबर यही है, कमेंट में लिख रही कि आज तो तुम ठेकेदार की बुराई कर रहे हो और कल ठेकेदार ने कुछ कह दी, हमने निकाली नहीं बल्ट फिर की खराब कर दी है। तो ठेकेदार गलत काम करो, ठेकेदार कौन सा इंजीनियर है, कौन सा कोर्स करे आए हो, कैसी ईंट लगा रहे हो, कैसा माल लगा रहे हो, कैसे सीमेंट है, कैसे क्रीस सड़क, कैसे रोड़ी है और फिर साइन करवा रहे हो, मतलब वगैरह वगैरह। अब कई भैया ने कमेंट करी है कि मतलब है कि जी मास्टर जी आप तो आज इसकी बुराई कर रहे हो और सरकार कोई बात हैगी तो तुम या कि बुराई भी करेंगे। नहीं भैया बात है ऐसी, सुनो, जो बुराई लायक होगा चाहे कोई भी है वह बुराई करी जाएगी और जो बुराई लायक ना होगा चाहे कोई भी है वह बुराई ना करी जाएगी। सीधी बात यू भैया, बढ़िया काम कर, गाँव जैसे कह देगा ऐसे हम कह देंगे और गाँव जो कहते गलत काम कर रहे हो तो हम भी कह देंगे गलत काम कर रहे हो। हम गांव के पीछे हैं, जनता के पीछे हैं, हम काई को लौटना चाहिए। तो बात यूँ है, वह भैया तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसी हमारी किसी की दाव धोंस ना है कि भैया बस जो करो जो करो, नहीं, जो काम बढ़िया करेगा वाकई कही जाएगी। तो ऐसे ही बीजेपी है, अगर बीजेपी ने कुछ काम गलत भी किए हैं, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, जैसे धारा 370 हटाई बढ़िया काम है, 3 तलाक हटाया बढ़िया काम है, राम मंदिर बनवाया बढ़िया काम है, लेकिन महंगाई पर लगाम ना लगा रही, लोगों ने रोजगार ना मिल रहा, बेरोजगारी मिल रही है। तो हम जैसे काम करें ऐसे कहते हैं बेरोजगारी ज़्यादा हुई है 3 साल में, ना कोई फौज की भर्ती आई, ना कोई पुलिस की भर्ती आई, ना कोई बाधा रोजगार फौज पुलिस में लग रहा हो, तो ये गलत काम है। अच्छे काम ये है कि राम मंदिर बनवाओ, धरती से तटवाई, 3 तलाक कटवाओ, तो जो अच्छे काम है अच्छे मतलब, और दूसरी किसान की सुनवाई ना कर रही, तो जो अच्छे काम है उनके हम अच्छे कहेंगे, जो गलत काम है वो गलत कहेंगे। ठेकेदार कल ही बढ़िया काम करने लगे, हम वह कल ही कह देंगे हाँ बढ़िया काम कर रहे हो, जनता कहने लगेगी तो, और फिर की गैस तेज कर दी तो हम तो कहेंगे भैया फिर ठेकेदार गलत काम कर रहा होगा। ना हम कांग्रेस के, ना बीजेपी के, ना जेजेपी के, हमें जनता के, जनता जैसे सुखी रहेगी तो सुखी विभाग जैसे की गैस करेंगे। तो बात यू है, यहाँ पक्षपात ना हो। अगली खबर, पलवल में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत जिले में 7,20,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि 7,75 लाख के लगभग पौधे लगाए जाएंगे, जैसे फिरकी में, स्कूलों में, कॉलेजों में और
रोड के इर्द गिर्द दोनों तरफ। इस प्रकार बहीन सीएम फ्लैंग एवं सीआईडी की संयुक्त टीम ने पुलिस के सहयोग से उटावड़ में अवैध रूप से चल रहे शराब ठेके पर छापा मारा। भैया लाइसेंस हो ना और अब शराब बेच रहो तो छापा मार दियो। तो मैं अभी सवरेंद्र बता रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी हादसा ऐसा कहे या मार भैया सतर्क रहो, कभी भी छापा मरवा सके कोई भी अपना बैरी ऐसा कहे जानी दुश्मन ऐसा कहे या मार भैया सतर्क हो जाए तो काम लो। अगली खबर बहीन जिलेवासी 9 अगस्त तक कर सकते हैं नागरिक पुरस्कार, सरदार पटेल एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन। डीसी 31 अक्टूबर के जो मतलब बांटे जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद पुरस्कार हैं, वो ये हुआ कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने जिन संस्थाओं ने योगदान दिया है उसे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आशीर्वाद पुरस्कार दिया जाएगा और इसके ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, डीसी ने जानकारी दी है। पलवल भाजपा नेत्री की पारिवारिक फोटो के साथ छेड़छाड़, भद्दे कमेंट और धमकी देने व छवि खराब करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भैया कोई नेता भी रहे है कोई नेत्री भी रहे है तो नहीं ना कि मतलब यह कि बाकी पर्सनल फोटो के साथ कमेंट करें, अभद्र व्यवहार करें, अभद्र टिप्पणी करें, गलत व्यवहार उसके साथ करें, फोटो के साथ गंदे कमेंट करें, ये हमें शोभा नहीं दे। क्यों सोशल मीडिया है कोई कैसा आदमी लेकिन पर्सनल कमेंट किसी के बारे में ना करें। ठीक है आप अच्छा ना लग रहा कोई नेता तो उसे सोशल मीडिया पर जाकर मत करो, उसके पास जा कह दे भैया हम तेरे समर्थन में ना आए, हम तेरी वोट ना दे रहे, ना तेरे सपोर्टर, ना तेरे वोटर, ना तेरे फलाने, ना तेरे ढेके, हम मतलब ये तोते पे पक्ष में। तो इस प्रकार अपनी भी जात मत दिखाओ और मत वाकई जात के आओ। तो बात यूँ है कि तो हाई दुश्मनी है सके लेकिन नेता नेता ही है, कोई भी है कैसो भी है वह बढ़ावा देना चाहिए। गलत कर रहे हो तो मोड़े कह दो मतलब तू गलत काम कर रहे हो खा थो जागो। हतीन तहसील में सर्वर ठप हो जाने से नहीं हो पा रही रजिस्ट्रियां, लोग परेशान। दूदरा से लोग अपनी रजिस्ट्री करवाने के आए, सर्वर ठप पे भैया ऑनलाइन सर्वर ना चल रही, तो कागज़ ऑनलाइन चल रहे सब अपन सब पता होगी तो सर्वर ठप पे रजिस्ट्री ना हो पाई, वे परेशान हैं बेचारे जो करे भैया कैसे सर्वर ले रखे हैं कैसे नेट वा रहे हैं, पहले काम नहीं है जाबा जब नेट पर काम ना हुआ इंटरनेट पर, अब जो इनका सिस्टम चले हो बल जो काम ही ना हो रहे तो इन्हें सर्वर ठीक करवाओ। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हतीन में 24 जुलाई को उपायुक्त करेंगे पौधारोपण, टीम जीवन के युवराज ने दी जानकारी। और 24 तारीख के कल आज 23 है कल मतलब यह है कि पौधारोपण करेंगे। पलवल एडवांस कॉलेज के 15 साल पूरे होने पर विधायक दीपक मंगला के द्वारा वैक्सीनेशन व पौधारोपण का कार्य किया गया, वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगवाएं कोरोना के और पौधारोपण करे गए हुए 15 साल पूरे है गए एडवांस कॉलेज है जो यहाँ श्रीनगर। हसनपुर उपकार मंडल में आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर लगाया गया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, इसमें जो मतलब एक रिबन काटे हुआ है दिनेश धनखड़ समाज सेवी जी ने, उसके साथ अन्य समाज से भी मौजूद थे जिन्होंने मतलब ये कि अपनी इच्छा थे रक्तदान करे हुए और रेड क्रॉस सोसाइटी ने चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर शिविर लगाया हुआ रक्तदान शिविर। तो हम जो अब भैया रक्तदान कराए तो बात है किसी भैया की जान बचे करना भी चाहिए, उससे HIV एड्स का पता लगता है कि इस बीमारी है नहीं है, ब्लड ग्रुप का पता चलता है, अनेक प्रकार की जो हमारी जो शरीर में कीटाणु कितना वजन है, रक्तदान करना चाहिए ना करना चाहिए सारी जानकारी देते हैं वे। अगली खबर सोंदगाम की है, राधन महिम्बर बाबरा थोक से हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि बबल कुंड का जो हाल है बहुत ही ख़राब है और बारिश की वजह से लबालब भर चुका है और बगीची में भी पानी आ चुका है और जो ना नाली की सफाई नहीं हो पा रही है जिससे तरातनी पानी की हो रही है, अगर नाली की सफाई हो कर्मचारी वहाँ जाएं उसकी सफाई करें तो हम निजात पा सकते हैं बीमारी की और गंदगी से दोनों से, उनका कहना ये है। लेकिन मेरी सभी
जो मेंबर सरपंच ब्लॉक मेंबर जितने ठाड़े हैं और भूतपूर्व और पूर्व और अब के भी सब, तो मेरी अपील है भैया या बबल कुंड में आकर देखो भाई, पांच कुंड बताए गए, पांच कुंड में तो वेन बबल कुंड है, या फिर ऋषि मुनि पहले आए करे तो यहाँ नहाए करे पिए करे पानी और बड़ी मान्यता आई। लेकिन आज इस पर अतिक्रमण होने जा रहा है, आप देख भी रहे होंगे अतिक्रमण लबालब है। अगर ये सूख गो और या मतलब यह है कि बाउंड्री इसकी नहीं हुई तो यहाँ से कन पूरे चारों पाँचों कुंडवान की लाठी बाजेगी और अतिक्रमण होगा ना किसी को भी रहेगा। तो मेरे तो आप सभी तो यही कहना है कि या एक कुंड को ही दर्जा दिया जाए, बहुत से जो करे या पे पार्क बनाएंगे या वाटिका बनाएंगे या फलान चीज़ बनाएंगे या फिर ढेंकी चीज़ बनाएंगे, नहीं, विमल कुंड है तो विमल कुंड ही बबल कुंड ही बनना चाहिए, वहाँ के घाट बनने चाहिए और गंदगी को जो पानी है वहाँ के साइड में कर मोरी निकल के नाले में जाना चाहिए। अगर तुम्हें यू है कि पोखर रख रही है तो पोखर भैया वहाँ मैंने बना ले पट्टे में, वहाँ से जगह हैगी गाँव के बाहर, वहाँ से जाएंगे चौपे ने, हाल में तो चौपे जा ही ना रहे, कहीं कहीं चौपे वहाँ में साफ पानी भरना चाहिए, घाट बनना चाहिए जैसे हाँ नहाने लायक, और ऐसा इमारत होनी चाहिए भाई कुंडी है वाकायदा भव्य कुंड, जो 15 लाख रुपया उदय भान जी ने दिए, उनकी छानबीन कराओ, कौन है दिए, कब दिए, वे कहाँ गए, कैसे इनको निर्माण ना हुआ। आज भी बबल कुंड की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, उसमें सोच विचार करें गांव के जो पंचे मेंबर हैं और ज़्यादातर थोक के बावरा थोक के सभी जो पंच जो ठाड़े हैं मेंबर ब्लॉक मेंबर पद उम्मीदवार जितने भी जब पद पे, वे सबसे पहले ये सोचें कि हमारे गाँव ने उदय भान जी ने गोद लिया हो, 2 करोड़ गांव की सेवा करने दिए, गांव में कोई विकास हो और 15 लाख स्पेशल विमल कुंड करने दिए, वे विमल कुंड के रुपया कौन है दिए, कब दिए, कैसे दिए, काम हुयो ना हुयो, रुपया कहाँ गए, क्यों काम ना हुयो, आखिर बात कहाँ टिक रही है, तो यह के बारे में छानबीन करनी चाहिए। जो बड़े बड़े पंच हैं, जो जिम्मेदार आदमी हैं, जो इलेक्शन की जो छानबीन कर रहे हैं, बोल भाई हम इलेक्शन पर ठाड़े हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमें वोट दीजो, तो भाई तब यही नहीं पता हो कि गांव में क्या हो रहा, क्या हुआ था, क्या हो रहा, गीता ज्ञान पढ़ो पहले, कि जो हो रहा तो भाई भी अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है भी अच्छा ही होगा, जो भी अच्छा ही होगा, तो भैया तुम भी देखो कैसे अच्छे हेर हो, कैसे बुरा हेर हो, कहाँ हेर हो, कहाँ ना हेर हो, तो 15 लाख की छानबीन करो, कौन दिए, कैसे दिए, दिए एक ना दिए पूछो उदय भान जी ने, भाई दिए एक ना दिए, दिए तो कौन दिए और कब दिए, कै तारीख दिए, कहाँ गए वे, आज स्थिति देखो बबल कुंड की है, आज दयनीय स्थिति है, और वहाँ के जो और पास के जो घर हैं ना वो गंदगी थी, परेशान है। अब तो बारिश है, थोड़ा थोड़ा निजात पा गए हम, नहीं उससे पहले बारिश ना हुई, उससे पहले शाम का तो टिक ही ना सके, क्यों पानी उबल जाओ, इतना पानी हो ना गंदगी, तो बात है जियो दुश्मारो। तो भैया मेरे तो युवा सबते राधन मेहम्बर जी मैं प्रणाम करूँ, युवा ने ध्यान दबाया बबल कुंड के मतलब, उन्हें कही कि भैया बगीचे में पानी भर जाए ना, बगीचे कोई उद्धार है रहो ना, बबल कुंड को है रहो ना, नाली को है रहो, नाली सफाई भी ना हैरी, तो भैया कस देखो और करो। ये थी खबर, मैं आपसे बता देता हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा किसी नए प्रोग्राम के साथ। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।